हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सभी लोगों को लक्ष्मी का स्टिचिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मशीन किस तरीके से चलाते हैं। और ये वीडियो जो अभी अभी मशीन चलाना सीख रहे हैं, जो सिलाई सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्टिंग में किस तरीके से मशीन चलाते हैं मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो इधर मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो किस तरीके से चलाना है, और ये बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ज़रूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगी। हेलो फ्रेंड, यह मशीन सिलाई मशीन है। तो सिलाई मशीन आप देख सकते हो, ये है पैडल, जो नीचे वाला जो है इसमें हम पाँव रखते हैं, इसे पैडल बोलते हैं। तो इसी को, इसके ऊपर ही पाँव रख के हमें मशीन चलाना होता है। तो चलिए फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ अच्छे से। हेलो फ्रेंड, इधर सबसे पहले आपको इधर पाँव रखना है, जो पैडल है मशीन का, इधर दोनों पाँव को अच्छे से बराबर से रखना है, पीछे नहीं रखना है, आगे की तरफ रखना है। और ये जो राउंड है इसको आप दो बार राउंड करके घुमाइए, उसके बाद पैडल को चलाइए, पैडल यानी कि पाँव को चलाइए, और उसके बाद आपका मशीन चलेगा। और इधर देख सकते हैं आप लोग, लेकिन जब भी आप मशीन चलाएंगे, सुई मशीन चलाएंगे, तो पहले हाथ से उसको राउंड से घुमा लेना है, उसके बाद पैडल लगाना है, पैडल मारना है। और ये है धागा। आप जब भी मशीन चलाना सीख रहे हो, जो बिगनर हो, तो धागा को निकाल लीजिए, उसके बाद ही आप मशीन चलाना सीखिए। क्योंकि धागा को लगा के सीखेंगे तो धागा उलझ जाएगा। और ये जो है बोविन केस को भी निकाल लेना है, इस जगह पे रहता है, तो आप नीचे के तरफ से भी निकाल सकते हो, ऊपर के तरफ से भी बोविन केस को निकाल के रख सकते हो। और जब भी आप सीखे तो धागा को निकाल के ही सीखे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, सीखने में आसान होगा। तो साइड कर दीजिए धागा को। तो चलिए आपको फिर से मैं बताती हूँ। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ मशीन किस तरीके से चलाना है। तो इधर मैं पैडल में पाँव रखती हूँ, और हाथ से दो राउंड में दो बार यानी कि राउंड को घुमा ली हूँ, और पैडल चला रही हूँ। और आपको इसी तरीके से ही मशीन को चलाना है, पहले हाथ से राउंड को दो बार घुमा लेना है, और उसके बाद पैडल लगाना है। और जब भी मशीन रुक जाए, उसके बाद फिर से आप हाथ से दो बार राउंड को घुमाइए, उसके बाद मशीन को चलाइए। और ये पैडल जो है बहुत हेवी होता है, बिगनर हो या एक्सपर्ट हो सुई मशीन चलाने में, उनको भी हाथ से दो राउंड घुमाना ज़रूरी होता है, उसके बाद मशीन चलाते हैं। तो गाइस, अगर आप इस तरीके से ही स्टेप बाय स्टेप सुई मशीन चलाना सीखेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी सुई मशीन चलाना सीख पाएंगे। और बहुत ही इजी है सुई मशीन चलाना, थोड़ा सा पैडल हैवी होता है तो इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप सुई मशीन चलाना सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी आप सीख पाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ भी मिस्टेक हो गया हो, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।